वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पेपर टू अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। मेरे भाई, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है सिलेबस को, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपके यूनिवर्सिटी पर सिलेबस आता है आप उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और ज़रूर मिला लीजिएगा एक बार इस सिलेबस को अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। ओके, वैसे मैं बता दूँ, अधिकतर विश्वविद्यालय के सिलेबस में लगभग यही होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो प्रेमचंद की बूढ़ी का की कहानी लिखी है, हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में बूढ़ी का की कहानी न देकर के कोई दूसरी कहानी आपको दे दे, तो इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रेमचंद जरूर शामिल होंगे, उनकी कहानी हो सकता है डिफरेंट हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ज़रूर देखने का या प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने पेपर वन के अंतर्गत सारे मुद्दों को समझा था, उसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित हिंदी साहित्य का पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है? हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ। नवीन गद्य विधाओं में आपकी कौन कौन सी, जैसे संस्मरण हो गया, आत्मकथा हो गया, यात्रा वृत्ति यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं, डायरी हो गया, जीवनी हो गया, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपके नई विधाओं में आती हैं। रेखाचित्र हो गया, रिपोर्टार्ज हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब नई या फिर नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो कहीं ना कहीं पर इनको हमको मतलब कि पेपर टू के अंतर्गत पढ़ना होता है। पेपर वन काव्य आपका चलता है, पेपर टू आपका गद्य चलता है। ठीक, तो गद्य में आपको इन्हीं सभी चीज़ों को के बारे में हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ये तीन खंडों में बटा हुआ पेपर होता है। वैसे पेपर आपका एक ही होगा, लेकिन सबसे पहला खंड जो होता है उससे उपन्यास मतलब कुछ पहले उपन्यास मिलेगा आपको, उसके बाद में कहानीकार आपको मिल जाएंगे, उसके बाद में नवीन गद्य विधाएँ जो होंगी वो मिलेंगी। यहाँ पर समझेंगे उपन्यास जो होता है, उपन्यास किसे कहा जाता है? कहानी के बड़े रूप को उपन्यास कहा जाता है। कहानी किसी घटना के एक अंश को दर्शाती है या किसी एक घटना को दर्शाती है जो कि छोटी होती है, जबकि जो उपन्यास होता है वह उस घटना को विस्तार से बताते हुए उस घटना से तीन चार घटनाओं को और जोड़ने का प्रयास करता है। मतलब कहानी की अपेक्षा उपन्यास जो होता है बहुत बड़ा होता है। विशेषताएँ यह होती है कि जो कहानी की विशेषता होती है वही विशेषता जो होती है वह उपन्यास की होती है, लेकिन इसमें जो होता है बस थोड़ा जो साइज का होता है वही डिफरेंस होता है, बाकी सब की सभी चीज़ें सेम होती हैं। वातावरण भी उसका तत्व कहानी का है और उपन्यास का भी है। कथोपकथन जो होता है वह भी उपन्यास का अंग होता है और कहानी का भी अंग होता है। इसी प्रकार से कथानक जो होता है कहानी का अंग होता है, कहानी का तत्व होता है, ठीक इसी प्रकार से उपन्यास का भी तत्व होता है। बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, आपने सुना होगा डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने यह बात भी स्वयं अपने कविताओं में बोली है। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि उपन्यास जो होते हैं कहानी ही की प्रकार से एक विधा होती है, कहानी का बड़ा रूप मतलब कहानी का पापा बोल सकते हो उपन्यास। ठीक, आगे देखते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में कर्मभूमि उपन्यास है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद का ही एकाध उपन्यास दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद जो हैं एक काफ़ी अच्छे उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं, तो इनका एकाध उपन्यास आपके सामने दे सकता है। जैसे गबन गोदान या फिर और तमाम जो है सारी उपन्यास है जो कि इन्होंने लिखा है, कर्मभूमि हो गया और एक दो है। ठीक, तो और दूसरा आपका है त्यागपत्र। या तो भैया त्यागपत्र से आप प्रश्न पूछ सकता है या तो कर्मभूमि से, दोनों में से एक ही आपसे प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखेंगे। जनेन्द्र कुमार का आपको क्या त्यागपत्र पढ़ लेना है और कर्मभूमि भी पढ़ना है, दोनों में से कोई एक से प्रश्न पूछाता है। हालांकि दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, करना एक ही होता है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। और आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है और भी संकलित हो, और भी उपन्यास हो सकता है, मतलब कि दो उपन्यास की संख्या एक ही होगी और ऑप्शन में करके दो दिया होगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख कर्मभूमि उपन्यास एक त्यागपत्र, तो त्यागपत्र जनेन्द्र कुमार ने लिखा है, कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है। अब इन दोनों में से जो है कोई एक से ही प्रश्न मतलब दोनों से प्रश्न पूछेंगे, करने एक से ही होते हैं एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो खंड है आपका खा, जो कि कहानी से संबंधित है, तो निर्धारित कहानीकार आपके पाठ्यक्रम में कौन है? तो कहानीकार में आपके प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद की कहानी कौन सी आपके पाठ्यक्रम में है? बूढ़ी काकी। हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में बूढ़ी काकी कहानी ना हो, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी कहानी हो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अधिकतर विश्वविद्यालय में यही कहानी फेमस है, इनकी बूढ़ी काकी बहुत फेमस कहानी है और कहानी के बारे में भी हम विस्तार से आपको समझा देंगे। ठीक, चिंता ना करें। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद जी, ऐतिहासिक कहानीकार। लिखते लिखते इन्होंने आकाशदीप एक कहानी लिखी है जिसमें कहीं ना कहीं पे ऐतिहासिकता पूर्ण रूप से विद्वान है। नेक्स्ट देखेंगे अज्ञे जी, सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे,
ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद अज्ञे जी। और आपके मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पर एक जो है आपको शायद इसमें नहीं, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए महादेव वर्मा जी, ये सब आप फर्स्ट ईयर में, मतलब कि ये लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पे रचनाएं काव्य में भी लिखते थे और गद्य में भी रचनाएं लिखी हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद को पढ़ने के बाद में आप काव्य में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन परिचय का जरूर याद कर लीजिएगा, चूँकि यह दोनों में है, पेपर वन में भी है, पेपर टू में भी है। ठीक, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आकाशदीप है, अज्ञे जी की सचिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे की कौन सी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, रोज कहानी है। ठीक, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर भीम, मतलब कि भीष्म साहनी, डॉक्टर बोल रहा हूँ, भीष्म साहनी की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है, चीफ की दावत, बड़ी ही रोचक कहानी चीफ की दावत, बहुत ही अच्छी कहानी है। चीफ जो होते हैं वह आते हैं और मिस्टर सामनाथ के घर पर, सामनाथ एक ऑफिसर रहते हैं, पूरी कहानी मैं आपको बता दूं, लेकिन अब जो है ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए मैं कहानी को थोड़ा ब्रेक करता हूं, क्योंकि मिस्टर सामनाथ के यहाँ पर उसके उनके चीफ आने को होते हैं, तो बूढ़ी काकी जो कि एक बूढ़ी काकी बोल रहा हूँ जो कि इनकी माता जी ही हैं, चीफ की माता जी, मतलब कि जो भीष्म साहनी के द्वारा जो कहानी लिखी गई है, मतलब कि जो कहानी क्या है, चीफ की दावत। चीफ जब आता है सामनाथ के घर पर तो सामनाथ अपनी माता को एक कमरे में बंद कर देते हैं, वो बहुत ही बूढ़ी है, कि ताकि चीफ जो है कहीं बूढ़ी माता को देख ना ले। बाद में होता क्या, देख लेते हैं, उसे गाना वगैरह भी सुनते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो भीष्म साहनी जो है उसकी कहानी कौन सी संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, चीफ की दावत संकलित है। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की अचलांचिक कहानीकार हैं या मतलब कि गांव से संबंधित कहानी लिखा करते हैं। पंचलाइट कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, वह भी कहानी इनकी इंपॉर्टेंट है। आपके पाठ्यक्रम में संवादिया कहानी है, संवादिया मतलब एक प्रकार से जो डाकिया बोल सकते हो, तो आधिकारिक तौर पर डाकिया, लेकिन अनौपचारिक तौर पर जैसे कि राजा महाराजा के यहाँ पर दूत जो होते थे, यानी कि संदेश ले जाते थे, वही उसी को संवादिया कहा जाता था, संवाद भेजने वाला, तो संवादिया जो होता है ये कहानी है। बड़ी बहुरिया वगैरह इसमें तमाम सारी चीज़ें हैं, बता दूंगा किसी दिन कहानी के बारे में आपको विस्तार से। नेक्स्ट है अमरकांत, अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन, बड़ी ही एक प्रकार से त्रासदी का वर्णन इसमें आप देखेंगे, बड़ी गरीबता है और भोजन के लिए लोग बैठते हैं, भोजन एक प्रकार से सही तरीके से नहीं मिल पाता है, सभी लोग अपने अपने में एडजस्ट करते हैं कि हम कम खाएँ लेकिन मेरा भाई खा ले, कोई सोचता है मेरा बच्चा खा ले, इसी तरीके से है, समझाऊँगा। ठीक, आगे देखते हैं कमलेश्वर, कमलेश्वर की कहानी कौन सी आपके पाठ्यक्रम में, नीली झील कहानी है, नीली आँखें वाली मैडम इसमें, मतलब बढ़िया कहानी है कमलेश्वर की, नीली झील। ठीक, अमरकांत इसमें होते हैं, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हैं आपके तो निर्धारित नवीन मतलब की गद्य विधाएँ। तो अब यहाँ पर नीली मतलब सात कहानीकार आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और सातों की कहानियाँ आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई हैं। कहानी आपकी अलग हो सकती हैं, इस बात का मैं दावा नहीं करता कि कहानी आपकी सेम होगी, लेकिन हाँ जो कहानीकार होते हैं लगभग सेम ही होते हैं आपके, एक आध दो कहानीकार हो सकता है चेंज हो, तो आप इसको एक बार ज़रूर अपने सिलेबस से मैच करवा लीजिएगा या बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं निर्धारित नवीन गद्य विधाओं में, जैसे कि सात इसमें कहानी पढ़ा तो सात ही इसमें भी शामिल हैं, जैसे पहले हैं, पहला है रेखाचित्र, तो रेखाचित्र कौन सा आपके पाठ्यक्रम में है, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र जो है शीर्षक से है, बाल गोविंद भगत जो है रेखाचित्र का नाम है, लिखा किसने है इसको, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। इनकी एक रचना गेहूं बनाम गुलाब शायद आपने बचपन में पढ़ी होगी, मतलब कि हाई स्कूल इंटर के दौरान आपने पढ़ा होगा। ठीक, आगे देखते हैं दूसरी चीज़ें, दूसरी कौन सी विधा, संस्मरण विधा, संस्मरण विधा क्या होती है, आत्मकथा क्या होता है, यात्रा व्रत क्या होता है, इन सभी से लेकर के अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी में यही होता है और सभी यूनिवर्सिटी में नवीन गद्य विधाओं में यही चीज़ें आएंगी। ठीक, ध्यान रखेंगी। अब ये हो सकता है जैसे रेखाचित्र जो हमने बताया, हो सकता है बाल गोविंद भगत के स्थान पर कोई और रेखाचित्र दे दे, या हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में यही देगा या बाद में बता रहा हूँ। ठीक, देखिए संस्मरण में आपका क्या है, आलोपी संस्मरण है, आलोपी अंधा होता है कहीं ना कहीं पे, तो इसके बारे में बताऊँगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार समझाऊँगा। महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है क्या, आलोपी संस्मरण। नेक्स्ट है आत्मकथा, आत्मकथा कौन सी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो कौन सी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको लिखा है, आपको पता होगा किसने लिखा है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन,
देखिए कौन सी कृति सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मधुशाला कृति। जबकि यह कभी मेरे भाई ये दारू नहीं पीते थे, मतलब कि यह मदिरा का पान नहीं करते थे हरिवंश राय बच्चन जी, लेकिन उन्हें जो है मधुशाला में इतना सही तरीके से वर्णन किया है मधुशाला के बारे में, मतलब कि शराब के बारे में, कि शराबी जो होता है शराब पीने के बाद में कैसा फील करता है, कैसा अनुभव करता है, इन्होंने उसके बारे में विस्तार से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मधुशाला रचना बहुत ही फेमस रचना है इनकी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। या कौन है जो आपके हीरो में सबसे अग्रणी रहे हैं, उनका क्या नाम है, जो है अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, अगला है आपका यात्रा वृत्त, यानी यात्रा वृत्तांत इसी को कहा जाता है। यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत आपके पाठ्यक्रम में चीड़ों पर चांदनी, क्या चीड़ों पर चांदनी, क्या भाई चीड़ों पर चांदनी, किसने लिखा है इसको, निर्मल वर्मा ने लिखा, किसने लिखा है, निर्मल वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट है आपके पाठ्यक्रम में डायरी, डायरी कौन सी संकलित है, डबरे पर सूरज का बिंब, क्या डबरे पर सूरज का बिंब जो है डायरी विधा की रचना है, जो कि मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है और यह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेक्स्ट है जीवनी विधा, जीवनी विधा एक प्रकार से जिसको आप क्या कहते हैं, जीवनी जो होती है आत्मकथा, दोनों में अंतर को लेकर के लिखित वालों प्रश्न आपसे लगातार बनता रहा है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा व्यक्ति जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्मकथा लिखी, उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं या अपने बारे में लिखी। जब कोई साहित्यकार अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में, अपनी कहानी के बारे में, मतलब अपने बारे में लिखना प्रारंभ करता है, और तो उसको हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। अपने जीवन के बारे में लिखता तो आत्मकथा कहते हैं। जबकि अगर यही व्यक्ति या फिर जैसे मान लेते हैं विष्णु प्रभाकर ने, शरदचंद्र चटर्जी जो विष्णु प्रभाकर जी हैं या एक साहित्यकार है, इन्होंने शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी लिखा है, मतलब कि जो आवारा मसीहा है किसकी जीवनी है पूछा आता है, तो शरदचंद्र चटर्जी की है। और आवारा मसीहा का दिशा हारा खंड जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। जब कोई साहित्यकार किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मकथा को लिखने का प्रयास करता है, तो उस आत्मकथा को हम जीवनी कहते हैं। आत्म मतलब होता है स्वतः की कथा, मतलब अपनी जो साहित्यकार कोई में से मैं अपने बारे में बताऊं आपको, अपनी कथा लिखूं, तो यह आत्मकथा हो जाएगी। लेकिन मैं किसी दूसरे के बारे में बताऊं तो वह जीवनी हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं, उसी को क्या कहा था, साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, बड़ा शीर्षक है इसका, जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके सामने। जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके सामने, यह जो है साक्षात्कार है, इंटरव्यू विधा है, जो कि सबसे नवीनतम विधा की श्रेणी में आती है, यह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसके रचनाकार कौन है भाई, इसके रचनाकार है आपके विश्वनाथ तिवारी जी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इसके जो है लेखक हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। इतनी चीज़ें हो गई, हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया, एक बार मैं फिर से भी चर्चा कर लूँगा, वैसे द्रुत पाठ के रूप में बता दूँ आपको, द्रुत पाठ मतलब कि मूल पाठ तो ये समाप्त हो गए, मूल पाठ में सब थे, लेकिन द्रुत पाठ में भी कुछ चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में, जैसे कि शिवमूर्ति जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, शिवमूर्ति जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनकी जीवन परिचय और इनकी साहित्यिक रचनाएँ, इनका और इनके साहित्यिक परिचय के बारे में आपको पढ़ लेना है। और इसी प्रकार से ज्ञान रंजन जी आपके पाठ्यक्रम में हैं और दूधनाथ सिंह जी हैं, तो ये तीन कवि जो हैं आपके, मतलब कि तीन जो कवि नहीं, तीन लेखक जो हैं, या शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह, इनकी साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा आता है, या बात ध्यान रखेंगे। शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह यह आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ के रूप में शामिल है, मतलब इनसे इनकी इनसे क्या होगी, रचनाओं से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मतलब कि जैसे कि जैसे मुक्ति बोध है, तो मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है, गजानन माधव मुक्ति बोध, तो इनसे मान लेते हैं डबरे पर सूरज का बिंब जो है इस रचना से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ से इनकी व्याख्या से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नृत पाठ से व्याख्या खंड नहीं पूछा जाएगा, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे आते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, उपन्यास कर्मभूमि और त्यागपत्र, त्यागपत्र जयनंद कुमार, कर्मभूमि प्रेमचंद ने लिखा। निर्धारित कहानीकार में आपका प्रेमचंद जी है, बूढ़ी का की कहानी, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, अज्ञे जी रोज कहानी, भीषम साहनी चीफ की दावत, हरीश्वरनाथ रेणु संवादिया, अमरकांत दोपहर का भोजन, कमलेश्वर नीली झील। निर्धारित नवीन गतिविधाओं में आपके रेखाचित्र बाल गोविंद भगत शीर्षक से राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा हुआ संकलित है। संस्मरण में आलोपी संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, लिखा किसने, महादेव वर्मा ने। आत्मकथा के रूप में बात किया तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है।
यात्रा व्रत में शीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित है, जो कि डायरी की बात की जाए तो डायरी जिसको हिंदी में दैनदिनी के नाम से जाना आता है, डायरी जो है वो आपके पाठ्यक्रम में किस शीर्षक से है, डबरे पर सूरज का बिंब, जिसको लिखा किसने, गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। नेक्स्ट है जीवनी आवारा मसीहा का एक खंड, दिशाहारा चार खंड में बटा हुआ, उसका दिशाहारा खंड जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसकी जीवनी है, शरदचंद चटर्जी की जीवनी है। नेक्स्ट है आपका लास्ट साक्षात्कार, जो अपना आदर्श भेज देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके सामने, यह जो है साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है, और यह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित है। द्रुत पाठ के रूप में आप में शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह शामिल है। कौन कौन? द्रुत पाठ में शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह जी शामिल है। इतनी बातें आपके क्लियर हो गई। यह था बीए सेकंड ईयर का पेपर टू का सिलेबस, जो कि हमने आपको बता दिया, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पेपर वन से संबंधित सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।